कल चूंकि फिफ्थ सेमिस्टर का रिजल्ट निकला जिसमें प्रवीण भी अपियर हुए थे, रेगुलर भी अपियर हुए थे, लेकिन बदकिस्मती देखो हमारी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कौन मुलाजिम बैठे, किनको उन्होंने मुलाजमत दी है कि उन्होंने अपना असली चेहरा कल दिखाया। अब चेहरा क्या दिखाया, इसमें बैकलॉग स्टूडेंट्स भी अपियर हुए थे 2016 से लेकर 2019 तक, और उसके बाद 2020 के बाद जो स्टूडेंट्स थे वो भी अपियर हुए। 2016 से 2019 तक जो पेपर हुआ करता था उसमें 90 मार्क्स आ जाते थे क्वेश्चन पेपर में, वो 30 मार्क्स पास थे। 2020 के बाद जो पेपर आ जाता है वो एग्जाम में पेपर आ जाता है 60 मार्क्स का और 30 मार्क्स आ जाता है ट्यूटोरियल का। लेकिन जब परसों पेपर आया जो 2019 के बैच स्टूडेंट्स थे उनको पेपर आया 60 में से और 30 मार्क्स ट्यूटोरियल जो कॉलेज ले लेता है, ट्यूटोरियल के मार्क्स तो कॉलेज वालों ने दे दिए, दैट मीन्स वो पास हुए। अब जो 2016 से 2019 बैच के स्टूडेंट्स थे उन्हें क्वेश्चन पेपर जो है वो 60 में आया और 30 मार्क जो ट्यूटोरियल थे वो किसी ने लिया नहीं किसी कॉलेज ने, एक्सेप्ट ए फ्यू। जिन कॉलेजेस ने अब लिया भी उनको अपडेट करना था मार्क्स को ऑनलाइन पे, लेकिन उनके रोल नंबर ऐसी नहीं थे, वो बेचारे फिफ्थ सेमिस्टर के बैकलॉग स्टूडेंट जो है वो मोस्टली फेल हुए। अब उनका तो कैरियर इन्होंने बर्बाद कर दिया कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब एंट्रेंस के लिए अपियर होना था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कि हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पास हो जाएंगे, हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मां बाप जो है वो मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तब जाके फीस भरते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का। लेकिन त्रस्त सिन्युआत कश्मीर यूनिवर्सिटी में कम नफर छिकायत लगमित, कम नाकबिल महज नफर छिकम लगमित यम सना त्रस्त हिंदन खानन वमो यम फील सिन कर, तिकाजिक ट्यूटोरियल छी न कुन जाए। अब जिम्मेवार इसके लिए कौन, क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये नहीं पूछ सकती थी कि ये 30 मार्क्स इनके गए कहां पे? अब ये कहेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले हमसे एरर हुआ, क्या इतना बड़ा एरर हो सकता है? अब हम लोग किस वाली रियासत में रहते हैं? आप लोग जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करो या बाहर की जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे अप टू डेट रिजल्ट ही निकलता है, लेकिन यहां पे आप लोग देखो क्या है, कश्मीर यूनिवर्सिटी कहती है हम लोग ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। और किस बात की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी हो आप लोग? अब बहुत सारे ऐसे जिनको गुस्सा आ जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी को कुछ कहने में, लेकिन कल तो जीता जागता सबूत आपके सामने है, सब स्टूडेंट्स को फेल कर दिया, मोस्टली बैकलॉग वालों को 2016 से लेकर 2019 वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनके ट्यूटोरियल्स के मार्क्स इन्होंने नहीं रखे। क्या ये उस समय नहीं सोच सकते थे जब इन्होंने 60 मार्क्स का पेपर ही नहीं रखा? चलो इन्होंने इनको 60 मार्क्स का पेपर रख दिया तो उनमें से डिड्यूस से उनमें से वो 30% के मार्क्स भी निकाल सकते थे, यानी अगर 60 में से किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए थे वो 30 में भी इनको दे सकते थे वो, लेकिन नहीं। यहां पे नेपोटिज्म करप्शन का सबसे बड़ा जो इदारा है सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, लड़कों से स्टूडेंट से सिर्फ पैसा खींचते हैं एग्जामिनेशन के लिए, रिवॉल्वेशन के लिए, फोटोस्टेट के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे और स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। शुक्रिया।